सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 26 के बारे में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म पठान का बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई जारी है। फिल्म का डे 26 के अंदर भी बेहतरीन कलेक्शन देखने को मिले हैं। फिल्म पठान के डे 26 कलेक्शन की बात करें तो फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 26 के अंदर 4.50 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म पठान का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 515.92 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म पठान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस पर नजर डालें तो फिल्म पठान का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 998 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म पठान को ओवरऑल 260 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। और दोस्तों फिल्म पठान अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर 1000 करोड़ के आंकड़े के महज एक कदम दूर है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म पठान से शाहरुख खान करीब 5 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी दिखा दे रहे हैं। वहीं फिल्म में आपको सलमान खान का कैमियो भी देखने को मिला है। शाहरुख और सलमान काफी लंबे समय के बाद एक साथ बड़े स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ऑडियंस में काफी ज्यादा रोमांच बना हुआ है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म पठान अपने डे 27 के अंदर 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर इंडिया बॉक्स ऑफिस में फिल्म RRR, KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2 और फिल्म दंगल के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन जाएगी। दोस्तों ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान आपने देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कार्तिक आर्यन कृति सेनन स्टार फिल्म सहजादा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म सहजादा के संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की तो फिल्म सहजादा का बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई चल रही है, लेकिन फिल्म अपेक्षा अनुसार उतना नहीं कमा पा रही जितना फिल्म से ऑडियंस के द्वारा एक्सपेक्ट किया गया था। फिल्म सहजादा के संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की बात करें तो फिल्म सहजादा ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर 7.50 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शंस किया है। इसी के साथ फिल्म सहजादा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 20.15 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है। फिल्म सहजादा के बजट की बात करें तो फिल्म सहजादा को ओवरऑल 75 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, जिसमें से प्रोडक्शन कॉस्ट 65 करोड़ है तो वहीं फिल्म का 10 करोड़ रेंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर के है। फिल्म में आपको कार्तिक आर्यन के अलावा कीर्ति सेनम, परेश रावल, राजपाल यादव और मनीषा कोइराला लीड रोल में नजर आ रही हैं। दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर फिल्म है। फिल्म को 10th फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर 17th फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसके चलते फिल्म की सीधी टक्कर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की फिल्म एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया से हो रही है, जिसके चलते फिल्म सहजादा का बॉक्स ऑफिस पर काफी फीकी कमाई चल रही है। दोस्तों फिल्म सहजादा तो आपने देखी या ना देखी, आपके इस फिल्म को लेकर क्या रहा है अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की नई रिलीज फिल्म एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में। दोस्तों बात करें पैटन रीड के डायरेक्शन में बनी एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की तो फिल्म एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर 8.50 करोड़ का टोटल नेट कलेक्शन हुआ है। इसी के साथ फिल्म एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 31.45 करोड़ की टोटल नेट कमाई हो चुकी है इन इंडियन रुपीस में। वहीं दोस्तों फिल्म एंटमैन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ले तो फिल्म एंटमैन का टोटल वर्ल्ड वाइड से डे 2 तक $98 मिलियन की कमाई हो चुकी है, जहां फिल्म का $46 मिलियन यूएसए से है तो वहीं फिल्म का 52.6 मिलियन ओवरसीज से कमाई रही है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में पॉल रूड और इवांगेलिनी लिली मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो वहीं एंटमैन में विलन के किरदार में कैंग यानी जोनाथन मेजर नजर आ रहे हैं। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया को $200 मिलियन के बजट में तैयार किया गया है। इंडियन करेंसी में बात कर ले तो फिल्म को टोटल 1656 करोड़ इन इंडियन रुपीस कलेक्शंस में तैयार किया गया है। दोस्तों फिल्म एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया आपने देखी या ना देखी, अगर आपने इस फिल्म को मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो का हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।